नमस्कार जी, न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रिंसी गोल। तो एक अच्छी खबर लेकर हाजिर हुई हूँ और बहुत ही बेहतरीन खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं नए नए प्रोजेक्ट्स की, तो जम्मू कश्मीर में नए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन इससे जो ये अच्छी खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, इससे फ़ायदा जो है ये होगा कि सफ़र भी कम होगा और अब आप बारामूला तक जो है रेल का सफ़र आराम से कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा जो है, यानी जो कटरा का रेलवे स्टेशन है उधर भी फ़ायदा मिलेगा, यानी उसे भी एक नेशनल स्तर तक बनाया जाएगा। और क्या पूरी ये खबर है उसकी जानकारी भी आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कश्मीर में ट्रेन से पहुंचने का जो सपना है अब वो साफ तौर पर जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि अब रेल की सुविधाएं जो हैं वो बारामूला तक दी जाएंगी, यानी बारामूला तक जो है अब रेल्स जो है साफ तौर पर चलती हुई नज़र आएंगी। और 2023 में रेलगाड़ी की ये जो हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से इसका बनकर तैयार होगा और बारामूला तक ये पहुँचाई जाएंगी। उधमपुर बनिहाल बारामूला रेल स्टेशन जो है पूर्ण रूप से यहाँ तक रेलगाड़ियाँ पहुँचाई जाएंगी। और साथ ही साथ रेल मंत्री की बात करते हैं अश्वनी वैष्णव की, हाल ही में वे जिस तरीके से जम्मू में आए थे और जम्मू के कटरा में भी गए थे और उन्होंने पूर्ण रूप से तमाम उन रेलवे ट्रैक्स का भी जायज़ा लिया। और ख़ास तौर पर ये बात उन्होंने कही कि जितनी भी गंदगी रेलवे स्टेशन पर देखी जाती है या ट्रेन्स के अंदर देखी जाती है उस पर उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वच्छता का ख्याल है वो साफ तौर पर रखे, यानी जो गंदगी रेलवे ट्रैक्स पे या रेलवेज में या रेलगाड़ियों के अंदर होती है उस पर खासा ख्याल रखा जाए। और बहुत ही बेहतरीन खबर ये है कि अब बारामूला तक जो है रेलवे गाड़ियां चलाई जाएंगी, जिससे लोगों को भी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो इंसान ये चाहता है कि वह सफ़र पूरा जो है रेल का ही करे बनिहाल तक, यानी बारामूला तक, तो उसका ये सपना पूरा होने वाला है कि अब रेलवे के दौरान भी रेल ट्रैक वो पूरा बारामूला तक जा पाएगा। आपको ये बता दूं कि जहाँ पे रेल मंत्री ने ये भी कहा कि साफ सफाई को देखते हुए रेलगाड़ी में भी साफ सफाई होनी चाहिए और स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि 2023 में तक देश में 75 ट्रेन्स चलेंगी जो 3 शहरों को आपस में जोड़ेंगी। और आपको ये भी बता दूं कि जो रेल यानी कटरा का जो रेलवे स्टेशन है उसे भी एक नेशनल स्तर का बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहाँ पर जितने भी पैटर्न है वो बाहर से आ सके। और ये भी आपको बता दूं कि नए प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं वो खड़े किए जाएंगे और इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी बाहर से लोग रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, वैष्णो देवी जाते हैं, उन्हें भी आसानी होगी और साफ़ सफाई की सहूलियत की भी बात इसमें की जाएगी। और साथ ही साथ जहाँ पे ये बता दूं कि उधमपुर बनिहाल और बनिहाल से जब आप डायरेक्ट आएंगे तो बारामूला तक का अब आप सफ़र जो है वो रेलवे से कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कितनी तेज़ी से कार्य किया जाएगा और बहुत से लोग जो हैं जो पूरा सफ़र कश्मीर का करना चाहते हैं बाई ट्रेन, उनका सपना भी जो है अब जल्द ही पूरा होगा। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। अगर रईस राठौर की बात करते हैं तो वो लिख रहे हैं कश्मीरी में बोलिए, और फुरकान मुदस्सिर भी लिख रहे हैं सिस्टर आप कश्मीरी में सिस्टर आप कश्मीरी हो कश्मीरी करो। तो बिल्कुल कौशल लैंग्वेजेस मंथ जैसे तो ही अपडेट दीवान यम सात कहाँ नव असल अपडेट आसियाम तो जन तमाम अपडेट छे यवान तो बवनों की आस असल खबर छे कि बन रेलवे हूँ ट्रैक अगर इसका तो छुपाई कि बनिहाल ताइन छे सहरी गाड़ी वातन, मगर वन बारामूला ताइन तो वायती रेलवे स्टेशन यम बाबत यम जन तैतिक लुक छ तिमन तो वन मेल तमाम यम जन फैसिलिटी हंस अगर इस चिकात करान या नबर पेट यू जन टूरिस्ट छु एवान सुते ई पूर्व वन रेलवे रेलस मंज भी थी बारामूला ताइन, मगर वुछन चाहिए कि क्या स्पीडस मंज गई से कर्म स्टार्ट। और जिस तरीके से मैंने कहा पहले ही आपको बता दें कि हाल ही में रेल मंत्री भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने रेलवे की साफ सफाई को लेकर बातचीत की और ये भी कहा कि स्वच्छता का ख्याल जो है वो साफ तौर पर रखना है। तो अच्छी खबर इसे कहेंगे कि चलिए जहाँ पे वैष्णो देवी और जितने यात्री आएंगे तो रेलवे स्टेशन को वहाँ के एक नेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि जिनका सपना है कि वह बारामूला तक अब ट्रेन का सफ़र करें उनका भी सपना जो है वो जल्द ही पूरा होगा। तो ये अच्छी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही थी जो आप तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी था कि अब इस प्रकार से रेलवेज को लेकर और नए प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग जो जिन्हें अप एंड डाउन करने में
तकलीफ होती थी या दिक्कतें आती थी, क्योंकि आप भी जानते हैं जब रेलवे ट्रैक कहीं से निकलता है या रास्ता वहां तक पहुंचता है तो जो वहां की युवा पीढ़ी होती है उसे भी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में यही निकल कर आ रहा था, अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी जो कार्य है ये पूर्ण किया जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।